इस प्लेटफॉर्म में तमाम सुनने और देखने वाले अजीजों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम कुछ अहम तरीन खबरों के बारे में बातचीत करेंगे। पहली खबर जिसके मुतालिक हम बातचीत करेंगे वो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए तकरीबन 5 बिलियन रुपये देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी अब कुछ खबरें आ रही हैं कि वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड है वो गालिबन 280 मिलियन जो है वो अफगानिस्तान के लिए अफगानिस्तान को देने जा रहा है। आज हम उस वाले से बात करेंगे। लेकिन जो दो अहम तरीन चीज़ें हैं जो आज से कुछ दिन पहले ही हुई हैं वो है अफगान तालिबान का एक डेलीगेशन दोहा में था जहाँ पे उनकी मुलाकात हुई यूरोपीय यूनियन के डेलीगेशन के साथ और अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भी उनकी वहाँ पर कुछ मुलाकातें हुई। आज हम उस वाले से बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान साहब CEO स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर जरा बकायदा तौर से आगाज करते हैं इंटरव्यू का। सर बताइएगा कि अफगानिस्तान के लिए फंड्स आना अब शुरू हो गए हैं क्योंकि ह्यूमन क्राइसिस वहाँ पे एक्सपेक्टेड है, आ सकता है वहाँ पे। लेकिन तमाम तर जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान के वो कोशिश कर रहे हैं कि ना आए, उसे रोक दिया जाए। इसमें पाकिस्तान भी अपनी एफर्ट कर रहा है, अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी खबरें आ रही हैं। सर आप इन खबरों को अफगानिस्तान के लिए कैसा देख रहे हैं? यार पहले सबसे पहले जो मैं आपको और आपके थ्रू आपके नाजरीन को बताना शुरू करूंगा, जो मैं अक्सर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वो कॉर्ड हैं या वो डंडा हैं जो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट को मुंसलिक करते हैं, जिसके कंट्रोल में जो यहाँ पे डोमिनेंट फोर्स होगी वो रूल करेगी इन तमाम एरियाज के अंदर। ये तो हमें बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो इस खित्ते के अंदर सबसे अहम किस्म की एक लोकेशन है, और पाकिस्तान को बाईपास करके ना आप सेंट्रल एशिया जा सकते हैं ना आप जो है किसी और साइड पे जा सकते हैं। इस खित्ते के अंदर आपको पाकिस्तान के साथ चलना पड़ेगा, पाकिस्तान के साथ रहना पड़ेगा और पाकिस्तान की बात माननी पड़ेगी। अब आते हैं अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से गया उसका ख्याल था कि शायद यहाँ पे खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जब खाना जंगी शुरू हो जाएगी तालिबान कमज़ोर पड़ जाएंगे तो हम अपनी पसंद का ऑर्डर लाने में यहाँ पे कामयाब होंगे। लेकिन वो ये भूल गया कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बाकी नेबरिंग कंट्रीज इस मामले के लिए, इन हालात के लिए बहुत पहले से तैयार थे और सब चीज़ें जो हैं एक प्लान हुई हुई थी। और यही हुआ कि अमेरिका तो निकल गया, तालिबान आए और जिस तरीके से हमने देखा कि अफगान आर्मी का कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद जो है जो हालात पैदा हुए उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बड़े हद तक कंट्रोल हो गई। जो पहले रोजाना के हिसाब से सैकड़ों लोग कत्ल होते थे, अब आप देख लें कि पूरे महीने के अंदर, शायद जो अशरफ गनी दौर में एक दिन के अंदर कत्ले आम होता था वो पूरे महीने के अंदर नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन ने क्या किया कि उन्होंने जो अफगान फंड्स थे और यूरोपियन यूनियन और नेटो ने वो फंड्स रोक दिए। इनका ख्याल ये था कि फंड नहीं होंगे, इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगा, उसके बाद हम अपनी डिक्टेशन देके तालिबान को जो है ना वो ला सकेंगे। लेकिन ये भी उनकी गलतफहमी जो है ना वो दूर हो गई। मसलन एक आइडिया फ्लोट किया गया कि जी हम सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान को पैसे देंगे जो IMF के कंट्रोल में, वो पैसे अवाम के अंदर डिस्पर्स करेगा। ये तो अफगान सॉवरेनिटी के खिलाफ था, नाकाम हो गया। इसी तरीके से अमेरिका ने कोशिश की कि अपनी बातें, अपनी वैल्यूज जो है ना वो मनवाई जाए तालिबान से। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो है BBC पे एक प्रोग्राम भी चला था जिसके अंदर अफगान स्पोक्समैन है बल्खी साहब, उन्होंने कहा कि हमने 20 साल जंग लड़ी अपनी आजादी के लिए, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है कि हम जो है किसी की डिक्टेशन लेके, जो आजादी की जंग ही ना लड़ते अगर हमने किसी की डिक्टेशन लेनी होती तो हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। अब जो है सिचुएशन जो इमर्ज हो रही है, मसलन ग्लोबल टाइम्स के अंदर अभी हम जब पहले बात कर रहे थे कि ग्लोबल टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक चाइनीज कंपनीज जो हैं उन्होंने लिथियम वगैरह के जो जखायर हैं उनकी जो है विजिट्स भी शुरू कर दी हैं और चाइनीज एक्सप्लोरेशन भी शुरू हो जाएगी। अब अमेरिकन को ये समझ आ रही है कि जिस तरीके की हम आकड़ दिखा रहे हैं उसी किस्म की आकड़ जो है वो तालिबान भी दिखा रहे हैं, और इस वजह से अब उनके अंदर ये रियलाइजेशन पैदा हो रही है कि तालिबान से अगर हमने कुछ बातें
साथ हम एंगेज करें, उन्हें डिक्टेट करवाने की बजाय जो है हम उनके साथ जब अच्छी वर्किंग रिलेशन होगी तो हम उसके साथ अच्छा। अब अमेरिका क्योंकि यहाँ से शिकस्त खा के गया है तो वो खुद आगे आता है तो वो थोड़ी सी शर्म आती है, इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि ईयू को आगे किया है। और आपको पता है कि हाल ही में जो ये 13th एशिया यूरोप मीटिंग हुई है उसमें जो है यूरोपियन यूनियन ने कहा कि दे मस्ट सपोर्ट अफगान्स। अच्छा सपोर्ट अफगान्स क्यों करना चाहते हैं, पहले जब बॉम्ब फेंक रहे थे उस वक्त तो आप सपोर्ट नहीं कर रहे थे, अब अफगानिस्तान की सिचुएशन से उनको खौफ ये है कि ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर ज़्यादा संगीन होती है तो यहाँ से इन्फ्लक्स होगा रेफ्यूजीज का। और आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन इन रेफ्यूजीज से बड़ी डरती है क्योंकि वहाँ पे जो गोरा चमड़ी है वो अपने आप को इनसिक्योर समझता है कि यहाँ से जब लोग जाएंगे वहाँ पे काम करेंगे, सस्ता काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो यूरोपियंस की जॉब जाएंगी और उसके अलावा उनकी कल्चरल वैल्यूज वगैरह 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 वो थ्रेटन होंगी। इसी वजह से आपको मैं बताता चलूँ कि 1 बिलियन यूरो का जो है यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में जो है वो ऐलान भी किया है और खबरें ये भी आ रही हैं कि जल्दी यूरोपियन यूनियन जो अफगानिस्तान के नेबर्स हैं जिनमें पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है ना एक समिट भी जो है वो मुनक्कद कर रही है, करना चाह रही है ताकि जो है अफगानिस्तान की क्राइसिस को रोका जा सके। दूसरी तरफ अब अमेरिकन आपने देखा कि अफगानिस्तान से जाने के बाद बल्कि बाइडन के आने के बाद वो कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकन को भी ये समझ आ गई है कि अगर आपने यहाँ पे रहना है तो पाकिस्तान के बगैर सेंट्रल एशिया का कोई दरवाजा नहीं है जहाँ से हम जा सकें। इसीलिए हाल ही में हमारे आर्मी के कुछ सीनियर ऑफिसर्स ने दौरा भी किया है, वहाँ पे उनको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया नेटो हेडक्वार्टर का, और नेटो ने साफ लफ्जों में कहा कि पाकिस्तान एक इंतहाई अहम मुल्क है और हम उसके साथ एंगेजमेंट जो है हमारा अलाई है, हम उसके साथ एंगेजमेंट जारी रखेंगे। बाइडन साहब जो पहले हर चीज़ पे पाकिस्तान को स्नप करने की कोशिश कर रहे थे, अब डेमोक्रेसी के ऊपर जो इजलास बुला रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान को भी वो इनवाइट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल गया कि खित्ते का दरवाज़ा कुंजी जो है वो पाकिस्तान के अलावा कोई भी नहीं है। तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल आपने जो बात की कि 90 लाख अफगान जो है इस वक्त सख्त बुरी इकोनॉमिक हालत में है, तालिबान की मदद वो चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, लेकिन जी जी सर मैं आपसे यहाँ पे सवाल ही पूछना चाहूंगा कि ह्यूमन क्राइसिस है, सब कुछ चीजें हैं, लेकिन वहां पे अब एक और चीज हो रही है, वहां पे दहशतगर्दी थोड़ी सी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग। सर इसमें जो नेबरिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के आसपास, तो सर उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है कि वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके जो उनके पास इंफॉर्मेशन आती होगी वो तालिबानों को भी दें, उनको बताएं कि यहाँ यहाँ ये खतरे हैं ताकि इस दहशतगर्दी से बचा जा सके जो अफगानिस्तान के अंदर एक इम्कानात जो है अब दोबारा शुरू हो गए हैं कि अगर वहां भूख पड़ेगी तो लाजमी सी बात है कि दहशतगर्दी के भी हाई चांसेस हैं, तो ये कितना एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अच्छा याद होगा आपको आज 2 महीने पहले आपके साथ ही मेरा प्रोग्राम था, उसमें मैंने इन्फॉर्मेशन एक्सक्लूसिव दी थी कि जो अफगान नेशनल आर्मी है उसके कई रेमिनेंट्स जो हैं उनके उसके जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने तालिबान के आने पे वो भाग गए, छुप गए, वो उन्होंने दाइश जो है उसको आईसिस को जो है ज्वाइन कर लिया है। जहाँ तक बात है तो खित्ते के लिए सबसे बड़ा खित्ता जो खतरा है पाकिस्तान के लिए भी, इसके अलावा जो है रशिया, चाइना और जितने भी ममालिक हैं वो दहशत गर्दी है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैकेनिज्म तो ऐसा होगा जिसमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही होगी। दूसरा जो ये आप देखते हैं कि एकदम सर्ज आता है पाकिस्तान के अंदर या फिर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के वाकयात का, तो भाई 20 साल अमरीका यहाँ पे रहा है और आप जानते हो कि 20 साल में अमरीका, इसराइल, इंडिया और पता नहीं कौन कौन से ममालिक थे जिन्होंने मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं उनको अपने लिए अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया है खित्ते के ममालिक के लिए। तो ये चीज़ तो मैंने आपको फिर याद होगा कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो हमने प्रोग्राम में बात की थी कि अगले कुछ 2-4 महीने जो है खित्ते के ममालिक के अंदर खासतौर पर पाकिस्तान हो गया अफगानिस्तान को इन चीज़ों को करना पड़ेगा, लेकिन फिर ग्रेजुअली ये तमाम चीज़ें जो है ना वो खात्मे की तरफ चली जाएंगी क्योंकि ये वो स्लीपर सेल्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है। और इसमें मैं एक और बात बता दूँ कि इस वक्त खुद अमरीका और यूरोप भी इस चीज़ से डरता है कि ये कहीं दहशतगर्दी की अफगानिस्तान अमादगार ना बन जाए, तो एक बड़ी वजह एंगेजमेंट की ये भी है क्योंकि दहशत गर्दी एक ऐसी चीज़ है कि आप जिन लोगों को सपोर्ट करते हो अपने स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए वो फिर उल्टा आपको ही पढ़ते हैं, जिस तरह हमने देखा कि इंडिया ने LTTE को सपोर्ट किया, उसको ट्रेन किया, उसे इक्विप किया, लेकिन उनका वजीर आजम जो है राजीव गांधी वो LTTE के हाथ तो ही मारा गया। तो अब अमेरिका और यूरोप का एक कंसर्न ये भी है कि काउंटर टेररिज्म। सेकेंडली एक मैं आपको बात बता दूँ
कि अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन जो है वो जो है आने वाले हैं, आप जानते हो, तो वो मिड टर्म इलेक्शन के अंदर भी जो अपोजिशन रिपब्लिकन हैं वो अफगानिस्तान की सिचुएशन को जो है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे बाइडन के खिलाफ, और बाइडन आपको पता है कि इतना पॉपुलर उसकी रेटिंग नहीं जा रही है, तो वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ किसी तरीके से तालिबान के साथ पाकिस्तान को राजी करके तो इस मामले पे भी वो कुछ पॉइंट स्कोरिंग अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे कर सके। तो इस दहशतगर्दी को ये एक छोटा जो है एक टेम्प्रेरी फेज है, लेकिन इसके बाद आप देखोगे कि तालिबान जैसे जैसे होते जाएंगे, अभी तो उन बेचारों को आते ही जो है मुसीबतें पड़ी हुई हैं, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, जो सरकारी मामला चलाने के लिए उन्होंने नई स्कीम निकाली के चले हम आपको राशन देंगे, पैसे नहीं दे सकते, सारा जो पैसा है वन कॉम का वो सारा तो फ्रीज पड़ा हुआ है। और अभी आपने बताया, अभी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन ये बिलियन प्लस थे जो वर्ल्ड बैंक ने एड के तौर पर देने थे, लेकिन अब जो है पाँच करोड़ जो है डॉलर्स थे जो एड पे देने थे, लेकिन अशरफ गनी चला गया तो उन्होंने फ्रीज कर दिया, उसमें से अभी 280 मिलियन जो है वो रिलीज कर रहे हैं ताकि ह्यूमैनिटेरियन एड के तौर पे जाएं और वहां पे मामला ठीक हो सकें। तो एक चीज़ तो सामने आ रही है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो है तालिबान की लेजिटिमेसी का मसला भी हल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब आप उसके साथ एंगेज कर रहे हैं, खत्ते के ममालिक तो कर ही रहे थे। अब अमेरिका और ईयू इस चक्कर में है कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान और बाकी ममालिक अफगानिस्तान को जैसे ही तस्लीम करते हैं तालिबान की हुकूमत को, तो आप देखोगे कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के ममालिक पहले वो ममालिक होंगे इस एशिया से बाहर जो कि तालिबान की हुकूमत को करेंगे, वो सिर्फ इस इंतजार में कि जल्दी जल्दी हम करें ताकि वो आए। जी, आपने ये बात की यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन की, तो दोहा में एक मुलाकात भी हुई है, अमेरिकन डेलीगेशन के साथ भी मुलाकात रही, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन के साथ भी मुलाकातें रही। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन के साथ जो मुलाकात हुई है उसके अंदर अफगान तालिबान ने यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन से कहा है कि आप हमारी मदद करें एयरपोर्ट के मामले के अंदर, एयरपोर्ट को रन करने में हमारी मदद करें। लेकिन सर, जो अमेरिकन की डेलीगेशन के साथ मुलाकात रही, अमेरिका ने तो वही बातें दोबारा रिपीट की, जी ह्यूमन राइट्स फला फला उन्होंने सारी चीजें रिपीट की, लेकिन उस तो करनी है जी, जी उसके बाद उसके अंदर एक और बात भी है कि अफगान तालिबान ने फिर से ये मुतालबा किया उनसे कि आप हमारे जो है ना सिर्फ हमारे नाम ब्लैक लिस्ट से निकालें, इसके साथ साथ जो आपने हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं उसको भी अनफ्रीज करें ताकि हम अपने लोगों की मदद कर सकें। देखो, उन्होंने अमेरिकन ने तो अपनी फेस सेविंग करनी है, अब अमेरिका ये तो नहीं कहेगा कि आप जो है हमें लिथियम के ठेके दे दें, आप हमें रूट दे दें सेंट्रल एशिया तक का, ये दे दें वो दे दें, वो जाहिरी बात है अपनी पब्लिक को बताने के लिए कि हम एक असूली मुल्क है, उन्होंने यही बात करनी थी। लेकिन अंडर हैंड तालिबान ने अमेरिकन से भी कहा है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है उसके अंदर आप हमारी मदद करें, तालीमी सेक्टर के अंदर। जहाँ तक बात यह है कि ये तालिबान वो तालिबान नहीं है जो 90s में आए थे, आपने देखा है कि ख्वातीन स्कूल भी जा रही हैं, कोई उस तरीके से बात नहीं हो रही है जो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता था। तो तालिबान भी बहुत तब्दील हुए हैं और अमेरिका इसीलिए से अमेरिका को जो है फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ रही है, यूरोप को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ रही है, क्योंकि तालिबान एक ऐसी हकीकत है कि ना पंजशेर उनको ख़त्म कर सका, ना जो इनके मंसूबे थे कि कोलैप्स हो जाएगा वो नेबर ने कोलैप्स नहीं होने दिया। तो अब उनके पास एक ही चॉइस पड़ी है कि अगर तालिबान से कुछ बातें मनवानी है, एक तो है ना पॉलिटिकल लेवल पे जी ह्यूमन राइट वुमेन राइट वगैरह वगैरह, लेकिन दूसरी तरफ असल चीज़ तो ये है कि लिथियम के हमें जखायर चाहिए, हमें यूरेनियम भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए जो एक बूटी है अफगानिस्तान की सूरत में, जो भी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए पैसा आना है उसमें हमने हिस्सा भी लेना है, तो उसके लिए उनको तालिबान को मानना पड़ेगा और तालिबान की माननी पड़ेगी काफ़ी हद तक, और तालिबान को जो उन्होंने स्नैप करके दबाने की कोशिश की वो तो मुमकिन नहीं नजर आया। तो अब आप देखोगे कि ग्रेजुअली, आपको याद होगा कि आज से 2 महीने पहले हम बात हो रही थी तो मैंने कहा था कि अमेरिका उन अव्वलीन ममालिक में से होगा जो तालिबान को एक्नॉलेज करेंगे, क्योंकि स्टेक्स बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान के अंदर, और यूरोपियन यूनियन के अंदर भी यही चीज़ है कि भाई आप अगर तालिबान के साथ एंगेज नहीं करते तो इसका मतलब ये कि आप सेंट्रल एशिया को, जो कि यूरोप के को जोड़ता है, यूरोप के साथ मिलता है, सेंट्रल एशिया को आप जो है रशिया और चाइना के लिए खुला छोड़ देंगे। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तब ही है कि आप क्यों, अभी मैं बात कर रहा था इससे पहले कि आप सवाल करो, वो ये थी कि जो आपने कुछ शिफ्ट नहीं देखा है कि एक तरफ डेमोक्रेसी के जो समिट है उसमें भी पाकिस्तान को बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया की तरफ से आप देखें करतारपुर राहदारी खोल दी गई है। बड़ी बात है, इंडिया तो हर चीज़ वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के अमेरिका के साथ चल रहा है, तो अमेरिकन प्रेशर की वजह से उसके बाद आपने देखा कि कश्मीर के अंदर जो है
तरीके आज़ादी के अंदर शिद्दत आई है, लेकिन इस दफा इंडिया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि अमेरिका ने कहा हुआ है कि आपने इल्ज़ाम नहीं लगाना है, ठीक है। और इसी तरीके से आप देख लें कि बीजेपी की तरफ से इंडियन मीडिया के अंदर भी खामोशी छाई हुई है। उसकी वजह क्या है कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी तो अमरीका के हाथ गिरवी रख चुका है, और अमरीका नहीं चाहता कि इस वक्त पाकिस्तान को ऑफेंड किया जाए, कैरेट एंड स्टिक की वो फिर चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दफा पाकिस्तान का पलड़ा जो है सारे मैट्रिक्स के अंदर इस हुकूमत की, हमारे मुल्क की बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से वो हम तगड़े नजर आ रहे हैं। और सूफी बरकत अली ने जो कहा था कि एक वक्त आएगा पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी, तो लगता है वो ही दौर शुरू है। जी बिल्कुल सर, मैं फिर से वही अल्फाज दोहराऊंगा कि एक ह्यूमन क्राइसिस वहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर जन्म आस्ता आस्ता लेना शुरू हो गया। ये सब जो नेबरिंग कंट्रीज हैं अफगानिस्तान की, उनका ये फ़र्ज बनता है कि अब ये वक्त आया है कि अफगान तालिबान की अब पाकिस्तानी वाले हैं, तो अब हम सब पर ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मदद करें, उनके जितनी भी मुश्किल हैं उनको हल करें। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने खसूसी वक्त इंटरव्यू के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।